एपीटीएफ का अध्यक्ष बना भारत, अब पाकिस्तान का बचना होगा मुश्किल। एपीटीएफ में ब्लैक लिस्ट होगा पाकिस्तान। उधर अमेरिका में भारत के खिलाफ शुरू हुआ विरोध। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्लेनेट फोर पर। आज इन सब खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के पक्ष में। जी हां, इस खबर से ना केवल अब भारत को युद्ध की जरूरत है, बल्कि युद्ध के बगैर ही पाकिस्तान को ऐसी चोट दी जाएगी कि वह सदियों तक भूल नहीं पाएगा। दोस्तों यह बड़ी खबर आ रही है एपीटीएफ से। एपीटीएफ के अंदर भारत अध्यक्ष बन गया है। आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि अब भारत के लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है एपीटीएफ के अंदर, क्योंकि एपीटीएफ के अंदर ग्रे लिस्ट होने का जो ठीकरा है, पाकिस्तान हमेशा भारत के सर पर फोड़ता आया है और कहता है कि भारत की वजह से वो ग्रे लिस्ट के अंदर है। लेकिन दोस्तों अब ग्रे लिस्ट नहीं, पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा है। दरअसल एपीटीएफ की मदद से भारत पाकिस्तान की नींव को एकदम कमजोर कर सकता है, उसको तबाह कर सकता है। क्योंकि अगर एक बार पाकिस्तान एपीटीएफ के अंदर ब्लैक लिस्ट हो गया तो इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को किसी भी देश और संस्था के द्वारा वित्तीय मदद नहीं मिलेगी और ना ही उसके साथ व्यापारिक गठबंधन बनाया जा सकेगा, जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान बिना किसी स्ट्राइक और युद्ध के घुटनों पर आ जाएगा और भारत के सामने भीख जरूर मांगेगा। आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि क्यों यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एपीटीएफ चर्चा में है। दरअसल हुआ यूं है कि भारतीय मूल के एक व्यक्ति है जो एपीटीएफ में अब अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल चुके हैं। जी हां, एपीटीएफ में टी राजा कुमार ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉच डो के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। दोस्तों राजा कुमार एपीटीएफ के जो पहले प्रमुख थे डॉक्टर मार्कस प्लियर, उनका स्थान लेंगे और 2 साल तक अपनी सेवा देंगे। यानी कि दोस्तों 2 साल तक एपीटीएफ के अंदर भारत का दबदबा रहने वाला है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इससे क्या पाकिस्तान की ओर मुश्किलें बढ़ जाएगी। हाल ही में यह चर्चा थी कि अक्टूबर में होने वाली बैठक में उसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। पाकिस्तान की नई सरकार को भी यह उम्मीद बंधी थी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन टी राजा के अध्यक्ष बनने से पाकिस्तान के लिए दोस्तों नई चुनौती पैदा हो गई है। पाकिस्तान पर अभी यह खतरा मंडराने लगा है कि भारत अब एपीटीएफ के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। ग्रे लिस्ट तो क्या, अब उसे ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि जो टी राजा कुमार है, जो एफएटीएफ के अंदर भारत की तरफ से अध्यक्ष बने हैं, भारतीय मूल के हैं, वो कौन है और उनका क्या क्वालिफिकेशन है और उन्होंने कहां कहां काम किया है, आपको विस्तार से बताते हैं। यानी कि राजा कुमार के बारे में डिटेल से आपको जानने को मिलेगा। दरअसल राजा कुमार ने सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। कुमार ने 2006 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम में भी भाग लिया था। दोस्तों राजा ने सिंगापुर में गृह मंत्रालय और सिंगापुर पुलिस बल में 35 से अधिक सालों तक सीनियर नेतृत्व की भूमिका निभाई है। वर्तमान में वे देश के गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्यरत है। इससे पहले वे जनवरी 2015 से जुलाई 2021 तक मंत्रालय में उप सचिव यानी अंतर्राष्ट्रीय थे और साथ ही 2014 से 2018 के बीच होम टीम अकेडमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। कुमार डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, पुलिस खुफिया विभाग के निदेशक और वाणिज्यिक मामलों के विभाग के वरिष्ठ उप निदेशक भी है। दोस्तों उन्होंने कैसीनो नियामक प्राधिकरण के अग्रणी मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया। सिंगापुर में नए कैसीनो के लिए एक मजबूत नियामक ढांचा तैयार किया, जिसमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग का मुकाबला करना शामिल है। अब दोस्तों उनका यही अनुभव पाकिस्तान से निपटारे में काम आएगा। गौरतलब है कि दोस्तों एपीटीएफ 17 जून को पाकिस्तान के भविष्य का फैसला करने वाली थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस बार उनके देश को एपीटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि एपीटीएफ की तरफ से अभी तक इस मुद्दे को लेकर कोई संकेत नहीं दिया गया है और पाकिस्तान का ये मामला अभी तक ठंडे बस्ते के अंदर है। पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से कहा गया था कि पाकिस्तानी सरकार आशावादी है और एपीटीएफ के इस पूर्ण सम्मेलन में अपने अनुकूल निष्कर्ष की उम्मीद करती थी। फिलहाल हमें बहुत उम्मीदें हैं।
हमारा मानना है कि हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है जिसे कई सदस्यों ने मान्यता दी है। इसी के परिणाम स्वरूप हम सर्वश्रेष्ठ आशा करते हैं। पाकिस्तानी अधिकारी ने यहां तक कहा कि अगर एफएटीएफ के सदस्य ग्राउंड वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए मंजूरी दी जाएगी। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान अब गिड़गिड़ा रहा है एफएटीएफ से निकलने के लिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, लेकिन अब भारत का हंटर उस पर चलेगा फिर से, ये तो तय है, क्योंकि भारत आतंक से बहुत ज्यादा परेशान है और आतंक सिर्फ और सिर्फ भारत में पाकिस्तान फैलाता है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे सूची में डाला था, अक्टूबर 2018-19-20, अप्रैल 2021, अक्टूबर 2021 और मार्च 2022 में हुए रिव्यू में भी पाकिस्तान को राहत नहीं मिली थी। पाकिस्तान एफएटीएफ की सिफारिशों पर काम करने में विफल रहा है। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को विदेशों से और घरेलू स्तर पर आर्थिक मदद मिली है। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तर कोरिया शामिल है, जिस कारण से इन दोनों देशों को बाहर से निवेश पाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में काफी परेशानी होती है। दरअसल दोस्तों जो एफएटीएफ है ये एक अंतर सरकारी निकाय है। इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था। इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर कड़ी निगाह रखना है। इसके अलावा एफएटीएफ वित्त विषय पर कानूनी विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ का निर्णय लेने वाले निकाय को एफएटीएफ प्लेनरी कहा जाता है। इसकी बैठक एक साल में 3 बार आयोजित की जाती है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है? क्या भारत यहां पर मजबूत हुआ है एफएटीएफ के अंदर और पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों ये तो थी पहली खबर, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के विश्व व्यापार संगठन में भारत के साथ उसके खतरनाक व्यापारी निर्णय और असहज व्यवहार के मुद्दे पर बातचीत के लिए कथित औपचारिक तौर पर अनुरोध दायर करने का आग्रह किया है। उनकी ओर से दावा किया गया है कि ऐसा करने से अमेरिकी किसान और पशुपालक प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिकी सांसदों की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लिखे गए पत्र में कहा गया कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन ने सरकारों को वस्तु उत्पादन के मूल्य के 10% तक की सब्सिडी देने की अनुमति दी है, फिर भी भारत सरकार ने चावल और गेहूं सहित कई वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य के आधे से अधिक का सब्सिडी देना जारी रखा हुआ है। अमेरिकी सांसद भारत पर नियमों का पालन नहीं करने जबकि बाइडेन प्रशासन पर इस पर काबू करने में असमक्ष होने का आरोप लगाया है। उनकी ओर से कहा गया है कि कीमतों को कम करने से वैश्विक कृषि उत्पाद और ट्रेड चैनल प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।